गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, कल लास्ट क्लास में मैंने जहाँ तक एंड किया था वहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एसिडिक कैरेक्टर, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एसिड? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा एसिड क्या होती है, तो क्या बोलोगे आप? सर, एसिड एक वो सब्सटेंस है जो एच प्लस देता है इन एक्वस फॉर्म में। इन एक्वस फॉर्म मैं आपको जीओ से पढ़ाया था, क्या लिखे हैं? द एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बिल्कुल सही है, आपको सिखाए थे हमने। आपके पास अगर HF है, HCl है, HBr, HI, जैसे ऐसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड बढ़ेगा, जैसे ऐसे बॉन्ड बढ़ेगा वैसे वैसे बॉन्ड टूटेगा। तो सबसे पहले टूटेगा HI का, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। मतलब ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या लिखा है? एसिडिक कैरेक्टर मीन्स विच हैज़ द टेंडेंसी टू गिव एच प्लस एट अ फास्टर रेट। द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। सही बात है, आपको मैं सिखाया था। एंड इट बिकम्स वीक एंड एच प्लस डिसोसिएट्स फास्ट, देयर फॉर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज। ये हमारा ऑर्डर है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई एंड नेट। दूसरा हम बात कर रहे हैं रेड्यूसिंग नेचर। अब जब ये क्वेश्चन आता है सर, तो आधे बच्चे को तो पहले यही पता नहीं इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, हमें साफ लिखा है इसका मीनिंग क्या है। मीन्स रेड्यूसेस अदर, दूसरे को रेड्यूस करेगा, एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर है? मतलब हम क्या बोलेंगे, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। सही बात है, अगर आप किसी को ऑक्सीडाइज कर रहे हो, मतलब इंक्रीज इन चार्ज, और चार्ज कब बढ़ेगा? जब आप इलेक्ट्रॉन को लॉस करोगे। हमने क्या लिखा, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू लॉस डिक्रीजेस, वो भी बढ़ जाती है। देयरफॉर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज। क्यों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग नेचर? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन? और यहाँ क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू लूज इंक्रीजेस कब? जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हो। तो ये हमारा ऑर्डर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन का। इसका रिएक्शन हमने एच से बात कर लिया, अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन से। जब ये रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, तो ये केवल दो तरह के ऑक्साइड्स बनाते हैं। एक बनाएंगे EO2 और एक बनाएंगे EO3, जहाँ पर E क्या हो जाएगा, ग्रुप 16 का सारे फैमिलीज सल्फर हो जाए। ओल्ड स्टाइल से टिपोगे तो पिटोगे। हम पहला बात कर रहे हैं EO2, जिसको हम बोलते हैं डाई ऑक्साइड्स। हमने पहला बात किया SO2 का। SO2 का ये हमारा एज पर केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है, तो हमने क्या बोला, इट हैज़ बेंट स्ट्रक्चर। ये एक गैस होता है और इसका हाइब्रिड sp3 है। क्यों? दो सिग्मा एक लोन पे। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं SCO2 का, तो क्या है, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। SCO2 जो है वो क्या है, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर आप इसको गैस फेज में लेते हैं, तो ये मोनोमर मीन्स सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल फॉर्म में होता है। अगर आप इसको सॉलिड फेज में लेते हो, तो ये आपका पॉलीमेरिक फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं TOO2। तो TOO2 इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हम ऑर्गेनिक में जब इसको यूज़ करेंगे, तो आप उस समय समझ जाना कि सर ने हमको इनऑर्गेनिक में सिखाया था कि TOO2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारा क्या करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर है? एक बार कॉपी करें फटाफट इसको आप। चलो मैं नेक्स्ट आता हूँ, व्हाट इज रिड्यूसिंग नेचर? फिर से वही है, रिड्यूसिंग मींस जो दूसरे को क्या करे, ऑक्सीडाइज, खुद को रिड्यूस। तो अगर हम सल्फर की बात करें, तो आपको पता है कि सल्फर दो बॉन्ड भी बनाता है, चार बॉन्ड भी बनाता है, छः बॉन्ड, लेकिन छः वाला ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार छः बन गया, तो वो आगे रिएक्शन नहीं कर सकता और वो स्टेबल फॉर्म में हो जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? हम क्या लिखें, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज मोर स्टेबल देन +4।
देयरफॉर इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज, मतलब सल्फर अगर दो में है तो वो छः में जाएगा, सल्फर अगर प्लस फोर में है तो वो प्लस सिक्स में जाएगा, तो क्या हो गया, इट इज़ ऑलवेज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। साइड में से क्या हम बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सीडेशन। बट द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस सिक्स डिक्रीजेज ड्यू टू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्लस सिक्स का स्टेबल है वो कैसे कम हो जाता है। सबसे पहला है साइज फैक्टर, दूसरा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दोनों आपको हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी से पढ़ाया है कि साइज क्या होता है, ऑन मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। क्लियर, तो ये आपका हो गया साइज फैक्टर। अगर हम बात करें ऑर्डर में तो पहले SO2 होता है, फिर SCO2, फिर TeO2। क्यों? क्योंकि साइज फैक्टर है, जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी भी कम, क्योंकि वो स्टेबल हो जाएगा ना, तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा हम बात करते हैं EO2 के बाद कि ये एक और बनाता है ऑक्साइड EO3, इसको हम बोलते हैं ट्राई ऑक्साइड, इसमें SO3 है। ये SO3 का शेप तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका हाइब्रिड बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका शेप क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा प्लेनर। शेप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लेनर। अब हम बात करें उसका एसिडिक नेचर, तो क्या लिखा है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, ये तो बात सही है। अरे आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, जब साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से लास्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस बढ़ गया तो उनके आपस में इलेक्ट्रॉन पुल करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो वही तो लिखा है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, therefore acidic nature will decrease। ये हमारा order हो गया SO3, SCO3, TeO3। अब हम बात करते हैं तीसरा जो last है, reactivity towards halogen। जब group 16 react करता है halogen से तो कितने तरह के compound बनाते हैं, ये तीन तरह के बनाए compound, पहला EO2, दूसरा EX4, तीसरा EX6। अब पहला क्वेश्चन है कि द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स इन एनी पर्टिकुलर स्टेट विल बी ऑर्डर। आपको पता है आयोडीन का साइज बड़ा है, सबसे पहले टूट जाएगा। आप देखो ना, सिंपल मान लो आपको एक इतना बड़ा ग्लास मिले और एक मेरा रिस्ट वॉच मिले, दोनों को अगर एक पत्थर से मार के तोड़ना है सबसे पहले ये टूटेगा, बाद में ये। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा एरिया क्या है, एक्सपोज में है कि नहीं। तो ज़्यादा एरिया, जब उसके ज़्यादा एरिया एक्सपोज में है तो क्या होगा, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और हम क्या बोलेंगे, वो हाईली अनस्टेबल होगा। इसलिए देखिए हमने ऑर्डर क्या लिखा, हमने ऑर्डर लिखा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हम एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे ये क्या है क्या नहीं है। जैसे हम बात करते हैं EX6, तो EX6 को बोलते हैं हेक्सा हैलाइड्स। हम बात करते EX4, इसको हम बोलते हैं टेट्रा हैलाइड। हम बात करते EX2 को, इसको हम बोलते हैं डाई हैलाइड। अगर हम बात करें EX6 का तो इसमें केवल एक ही कंपाउंड हम देखें SF6, जिसका ये होता है शेप। क्या होगा शेप इसका, ऑक्टाहेड्रल, या आप इसे क्या बोल सकते हो, इसको आप जो ज्योमेट्री है वो क्या बोल सकते हो, स्क्वायर बाई पिरामिडल, लेकिन हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। और इसका हाइब्रिड क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर sp3d2। अब क्या कह रहा है कि अगर EX6 को अगर आप वाटर में डालते हो तो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। तो उसकी ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले ज़्यादा SF6 का होगा, फिर SE2। फिर से वही बात कि ऑर्डर ऑफ क्या लिखा है, साइज इंक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, देयर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज, बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी डिक्रीज। वही बात है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे हम जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है। जब साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है तो वो इमीडिएट टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो उनमें क्या आ जाएगा, पोलैरिटी आ जाएगा, वो एक दूसरे से आयन एक्सचेंज कर लेंगे, तो वो कैसे होगा। इसीलिए इनका ऑर्डर है सबसे पहले
SF6, फिर SCF6, फिर TEF6। तो जैसे जैसे इनकी बॉन्ड पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे सिस्टम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। अब देखो, हमने बात किया बेटा बॉन्ड पोलैरिटी का, मतलब बॉन्ड टूट गया और वहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। आपको हमने पीरियोडिक में सिखाया था क्या कि अगर न्यूट्रल है और आयंस है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, न्यूट्रल वाला किसी भी केस में स्टेबल होगा। तो यहाँ पर जब आपने लिखा है बॉन्ड पोलैरिटी इंक्रीजेस, मींस बॉन्ड टूट रहा है। जब बॉन्ड टूट रहा है मतलब सिस्टम स्टेबल नहीं है, सिस्टम रिएक्टिव है, यानी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब हम बात करते हैं EX4, जिसको हम बोलते हैं टेट्रा हैलाइड। इसमें तीन एलिमेंट है। अगर हम बात करते हैं SF4 मॉलिक्यूल्स तो ये गैस होता है, SCF4 तो ये लिक्विड होता है, TEF4 तो ये होता है सॉलिड। अगर हम इनकी बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर का, तो ये हो जाएगा SCl4, SCCl4, TECl4। क्या रीज़न है, ड्यू टू इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। वही बात है, साइज बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा, बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड टूटा आयंस में आ गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं EX2, इसको हम बोलते हैं डाइहैलाइड्स। इसमें क्या है कि ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे डाइक्लोराइड एंड डाइब्रोमाइड बनाते हैं। ऐसे हमने एक तो एग्जांपल ले लिया SCl2, जिसका शेप ये होता है SCl2। सल्फर ने दो बॉन्ड बनाया, सल्फर के वैलेंसी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो बॉन्ड बनाया तो 4 क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, जो अनबॉन्डेड है यानी 2 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिड हो गया sp3, शेप हो गया इसका टेट्राहेड्रल। अगर हम बात करते हैं मोनोक्लोराइड का तो क्या क्या बन जाएगा, ये S2F2, S2Cl2, S2Br2, SE2Cl2, SE2, लेकिन इसका शेप कुछ ऐसे बनता है, SS सेम होगा, ClCl अलग होगा। ऐसा क्यों होता है, Why they are not in same plane? Due to difference in electronegativity। सल्फर का कुछ और है, क्लोरीन का कुछ और है। These dimeric monochlorides on heating give disproportion. बेटा, what is the meaning of disproportion? A single element showing 3 different charges. हमने यहाँ लिखा है SeCl2 gives SeCl4 plus 3Se। अब देखो, यहाँ पर सेलेनियम plus 1 पर है, यहाँ पर सेलेनियम plus 4 पर है, यहाँ 0 पर है, तो क्या देख रहे हो, एक एलिमेंट का 3 चार्ज है, plus 1 plus 4 0, यानी इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज माई डिसप्रपोर्शन रिएक्शन, दिस इज द एंड ऑफ योर ग्रुप 16। हमने आपको ग्रुप 16 पढ़ा दिया, हमने ग्रुप 17 पढ़ा दिया, हमने ग्रुप 18 पढ़ा दिया, और वहाँ पर हमें 13, 14 आपको 11th में पढ़ाया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्रुप 15। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार पूरा इस वीडियो को पॉज करो, समझो, देखो और लिखो इसको।